हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को लेकर के है और एक्सेल में एक फॉर्मूला होता है काउंट इफ्स, शायद आपने सुना भी होगा। अब इसका यूज कैसे करना है उसको सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक्सेल को ओपन करना होगा और ये ध्यान रखिएगा कि ये पुराने वर्जन में इफ्स नहीं मिलेगा, काउंट इफ्स नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर मैंने ओपन किया है, ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे कोर्स आपको लिखा हुआ दिखाई पड़ रहा होगा। तो यहाँ पर बहुत सारे कोर्सेज रिपीटेड है देख सकते हैं और इसमें परसेंटेज में मार्क्स भी गेन किए गए हैं। तो जिनके मार्क्स जो है लेस देन 50 है उनको हमने फेल किया यहाँ पे। तो ये देख सकते हैं ये यहाँ पे 37% है, तो यहाँ पे ये जावा में जो है फेल है जो भी है व्यक्ति, ठीक है। इसी तरीके से और भी जगह जैसे यहाँ 45% है तो ये फेल है, ठीक है, 37% है तो फेल है। तो इस तरीके से किया गया है, ठीक है। अब ये हमें काउंट इफ्स का यूज सीखना है, तो काउंट इफ्स का कैसे यूज सीखेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले तो फॉर्मूला कैसे स्टार्ट होता है ये तो आपको पता ही है कि इक्वल टू का निशान लगा करके हम फॉर्मूले को स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे ओ यू एन टी आई एफ एस काउंट इफ्स लिखेंगे और टैब प्रेस कर सकते हैं या शिफ्ट दबा के अल्फा न्यूमेरिक की 9 भी प्रेस कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है फॉर्मूला लगाने का, यहाँ पर एफ एक्स पे जा सकते हैं और एफ एक्स पे जाकर के यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं, जैसे काउंट इफ्स हमें सर्च करना तो क्यू यू एन टी आई एफ एस जैसे करके एंटर करेंगे तो यहाँ काउंट इफ्स फॉर्मूला हाईलाइट हो जाएगा, फिर यहाँ से लगा सकते हैं। लेकिन चलिए हम अपना ट्रेडिशनल मेथड यूज करेंगे इज इक्वल टू का निशान लगा करके। तो यहाँ इज इक्वल टू का निशान लगाया और यहाँ पे लिखा काउंट इफ्स, तो यहाँ पे काउंट इफ्स आ जाता है। अब इसमें ये कह रहा है क्राइटेरिया रेंज फर्स्ट, तो क्राइटेरिया रेंज फर्स्ट हमारी यही है, इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, जहां तक हमारा डेटा है हम वहां तक सेलेक्ट कर जाते हैं। तो ये सेलेक्ट कर लिया है, कॉमा लगा देंगे। कॉमा लगाने के बाद हमको क्या सर्च करना है, तो हम सर्च करना चाहते हैं कि जावा में कितने लोग फेल हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जावा को सेलेक्ट किया है और कॉमा लगाया है, ठीक है। और दूसरा हमारा क्राइटेरिया पास फेल वाला है, तो यहां से इसको भी सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर यह भी हम देखेंगे कि इसमें कितने लोग फेल हैं जावा में, तो यहाँ पर कॉमा लगाएंगे और इस बार फेल्ड को सेलेक्ट करेंगे। ये जो फेल्ड लिखा हुआ, चूंकि हमें फेल ही पता करना है तो फेल्ड को सेलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट को क्लोज करके फिर प्रेस करेंगे एंटर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे तीन बार ऐसा हुआ है कि लोग जावा में फेल हुए हैं इस डाटा के अंदर। एक बार चेक करते हैं क्या ऐसा है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये पहली बार ऐसा है कि जावा में लोग फेल हैं, ठीक है। तो यहाँ मैं इसे एक कलर से हाईलाइट करता हूँ, ये देखिए ये दूसरी बार ऐसा हुआ है कि जावा में ये फेल है और तीसरी बार ऐसा हुआ है कि ये जावा में फेल है, यानी तीन ही बार ऐसा हुआ है। नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर और कहीं जावा दिखाई नहीं पड़ रहा है और यहाँ पर ये इस तरीके से फेल हुए हैं, ठीक है। अब मान लीजिए किसी और में पता करना हो तो आप यहाँ पर चेंजेस कर सकते हैं, आप इसी फॉर्मूले में चेंज कर सकते हैं या फिर अलग से यही फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे फिर से काउंट इफ्स अगर लगा देता हूँ तो यहाँ पर कैसे करेंगे, तो वही तरीका है कि इसको पहले सेलेक्ट कर लीजिए, जहां तक आपका डेटा है वहां तक जाइए, कॉमा लगाइए। कॉमा लगाने के बाद आपको क्या करना है, कॉमा लगाने के बाद आपको सेकेंड वाला ये रेंज सेलेक्ट करना होगा, लेकिन उससे भी पहले क्या करना है, कोई एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया डिसाइड कर लीजिए। जैसे इस बार हम C++ में चेक करेंगे तो ये कॉमा लगाएंगे और कॉमा लगा करके फिर क्या करेंगे, यहाँ से सेकेंड वाला ये सेलेक्ट कर लेंगे पूरा डेटा, ठीक है। और डेटा सेलेक्ट करने के बाद हमें पास चेक करना है या फेल चेक करना है, तो इस बार हम पास चेक करेंगे, तो यहाँ पे पास को सेलेक्ट किया, बंद किया, एंटर किया, तो यहाँ पर C++ में कोई भी पास नहीं हुआ है। तो क्या ये सही बात है, ये देखना होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये C++ है, इसे मैं एक डिफरेंट कलर प्रोवाइड करता हूँ हाईलाइट करते हुए। तो देखिए यहाँ पर C++ में ये फेल है और यहाँ पर भी सेम है, ठीक है। और नीचे आते हैं तो यहाँ पर भी 45% ही है, तो इस तरीके से ये C++ में फेल है, ठीक है, सारे लोग। अब यहाँ पर बात करते हैं फिर से एक बार काउंट इफ्स की, तो यहाँ पे काउंट इफ्स लगा लेते हैं और फिर इस बार जो है ये डेटा सेलेक्ट करेंगे पूरा, ठीक है, कॉमा लगाएंगे और कॉमा लगाने के बाद क्या करना है, जैसे ही कॉमा लगाते हैं तो कॉमा लगाने के बाद हमें क्राइटेरिया सेलेक्ट करनी है, तो क्राइटेरिया में इस बार हम पाइथन ले लेते हैं, ठीक है, पाइथन लिया, कॉमा दिया। अब यहाँ पे फिर से ये सेलेक्ट कर लेते हैं इस तरीके से, फिर कॉमा लगाएंगे, इस बार हमें पास चेक करना है कि पाइथन में कितने लोग पास हैं, तो ये बंद किया और एंटर करेंगे, तो यहाँ पे पाइथन में 3 लोग पास हैं, ठीक है। अब ये जो स्टाइल हमने यहाँ पे किया है कि यहाँ पर आपको रो नंबर नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो इसका एक बेनिफिट है, क्या बेनिफिट है मैं आपको दिखाता हूँ। मैं एंटर करता हूँ और नीचे आते हैं और यहाँ पर कोई और भी चीज जोड़ देते हैं, जैसे यहाँ पर बात हो रही थी किसकी, पाइथन की बात हो रही थी शायद, हाँ पाइथन की ही बात हो रही है। तो यहाँ पर अगर आप चेंज करते हो ना तो डेटा ऑटोमेटिकली यहाँ पे चेंज होता जाएगा, ठीक है, यहाँ पे जैसे ये ऐड होता जाएगा, जैसे C++ कर दिया और यहाँ पे कर दिया 66% C++ में, ठीक है। और यहाँ पे स्टेटस में मैं लिख देता हूँ PASSED पास, यहाँ पे कर देता हूँ 56%। अगर पास वाला क्राइटेरिया आप निकालेंगे तो आप देखेंगे कि ये इसमें ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे COUNT काउंट और IFS इफ्स हो जाएगा, काउंट इफ्स,
और अब मैं इसको सेलेक्ट करता हूं, ये सेलेक्ट किया हमने और सेलेक्ट करके कॉमा लगाया, कॉमा लगा के क्या करेंगे इस बार सी प्लस प्लस करते हैं, क्योंकि सी प्लस प्लस पहले वाला हिसाब किताब अब चेंज हो गया क्योंकि दो बार मैंने एक्स्ट्रा सी प्लस प्लस लिख दिया है, ठीक है। फिर कॉमा लगाएंगे और कॉमा लगा करके इसको पूरा सेलेक्ट कर जाइए, सेलेक्ट करके कॉमा लगाइए और कॉमा लगा करके इस बार पास चेक करना है, तो पास किया हमने, एंटर किया। तो यहाँ देखिए दो बार सी प्लस प्लस में ऐसे मौके आए हैं कि बच्चे पास हुए हैं, तो यहाँ पे देखिए जो दो बार एक्स्ट्रा हमने लिखा वही केवल इसमें दिखा रहा है, देख सकते हैं यहाँ पर एक है और यहाँ पर एक है। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला भी काफी बेनिफिशियल है, काफी यूजफुल है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी बात।